हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिकल्सिट्रेंट सीड्स एंड ऑर्थोडॉक्स सीड्स। हम यहाँ पे जो सीड का टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उस तरीके से नहीं पढ़ रहे कि हम सीड के टाइप पढ़ना है। हमें यहाँ पे पढ़ना है कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, मतलब बायोडाइवर्सिटी के अंदर प्लांट को कंजर्व करने के लिए सीड्स की क्या भूमिका है, क्या हाउ वी कैन कंजर्व प्लांट बाई एप्लीकेशन ऑफ देयर सीड्स बाई डिफरेंट प्लांट टिश्यू कल्चर एंड इन विट्रो मैथड्स दैट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन। हमें यहाँ पर यह डिस्कस करना है क्या एक्सीटू कंजर्वेशन के किसी भी मोड के थ्रू प्लांट को कंजर्व करने के लिए सीड किस तरीके से उपयोगी हैं। ऑन बिहाफ ऑफ दैट हमने इसे सीड को डिवाइड किया दो तरीके से, कौन से सीड एप्लीकेबल होते हैं और कौन से सीड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं कि तो सीड टू टाइप के आते हैं, एक ऑर्थोडॉक्स सीड एंड दूसरा होता है रिकल्सिट्रेंट सीड्स। तो अभी देखेंगे कि ऑर्थोडॉक्स क्या होते हैं और रिकल्सिट्रेंट सीड्स क्या होते हैं, कौन से उपयोगी हैं और कौन से उपयोगी नहीं हैं, मतलब उपयोगी तो दोनों हैं किस लेवल तक हैं। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स का रोल आएगा कि सीड बैंक्स, जीन बैंक्स एंड सीड जीन बैंक्स। तो आपको ये तीनों टर्म भी क्लियर होंगे कि इनकी क्या भूमिका है प्लांट को कंजर्वेशन बाय एप्लीकेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ देयर सीड्स। ठीक है, और सीड का टाइप भी पता चलेगा, उनकी अपनी प्रॉपर्टी भी पता चलेगी और उनका रोल प्लांट कंजर्वेशन में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सीड्स की पहले इंपॉर्टेंस देखते हैं कि सीड किस तरीके से एप्लीकेबल है। तो हम देखते हैं कि सीड्स आर मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है प्लांट, मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, प्लांट जो रिसोर्स है उसे किस तरीके से कंजर्व करने में सीड जो है वो मोस्ट कन्वीनियंट है। एक तो यहाँ बनावटी नहीं है देखना है, यहाँ पे मोस्ट कन्वीनियंट सोर्स जो है वो सीड्स के थ्रू प्लांट को सबसे अच्छे तरीके से, सबसे सुटेबल तरीके से, सबसे ईजिली तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का प्लांट की कैटेगरी में सीड के थ्रू सबसे ज़्यादा ईजी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा डायनामिक वे है जिसके थ्रू हम प्लांट की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, हाउएवर अब इसमें इन्होंने बात कहा कि नॉट ऑल सीड्स कैन बी कंजर्व इन सीड बैंक। सभी टाइप के सीड को हम सीड बैंक में कंजर्व नहीं कर सकते हैं। अब बात करें कौन से करे जाते हैं, उनके बेस पे उनके जो नाम डिनोट किए गए हैं। देखिए, ओनली सीड्स दैट कैन बी ड्राइड ए टू ए वेरी लो मॉइस्चर कॉन्टेंट। वेरी लो मॉइस्चर कॉन्टेंट का मतलब हुआ कि जो प्लांट के सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है उसके लिए, उसके जो एंजाइम्स होते हैं जो उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरत होते हैं, उनके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर का मतलब ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो कह रहा है ओनली वो सीड जो ड्राइड किए जा सकते हैं वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट की, अगर उनके अंदर जितना भी वाटर है हम सब बाहर निकाल लें, बहुत ही कम मॉइस्चर उनके अंदर रखें, और वो सीड वेरी लो टेम्परेचर। वेरी लो टेम्परेचर का मतलब नेगेटिव में, मतलब -20, आप समझ सकते हैं -20 का लेवल क्या होगा, और रेंज है +4°C। इस टेम्परेचर को टॉयलेट कर सकते हो। ठीक है, दो बातें, वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट पे और वेरी लो टेम्परेचर पे अगर सीड स्टोर किए जा सकते हो तो उस तरीके के सीड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स सीड। और कहाँ स्टोर होंगे, सीड बैंक में। ठीक है, इस तरीके के सीड जो हों वो ऑर्थोडॉक्स सीड कहलाएंगे, और दूसरे जो सीड बचेंगे अदर देन दिस उन्हें हम कहेंगे रिकल्सिट्रेंट सीड्स। अब हम इन्हें बताएंगे, मगर हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे सीड्स जो वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट पे और वेरी लो टेम्परेचर पे, ठीक है, उसकी रेंज आपको बता दी -20 से +4, इस पे स्टोर किया जा सकते हैं सीड बैंक में। तो ऐसे सीड को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोडॉक्स सीड्स। और दूसरी जो कैटेगरी होगी वो रिकल्सिट्रेंट होगी, मतलब जो इस कंडीशन पे सीड बैंक में स्टोर नहीं किया जा सकते उन्हें हम बोलेंगे रिकल्सिट्रेंट सीड्स। ठीक है, देखते हैं टाइप ऑफ सीड्स, तो वही बात आएगी, एक तो कैटेगरी हम बता ही चुके। तो कह रहा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो टू डिस्टिंग्विश टाइप ऑफ सीड व्हेन स्टोर्ड इन सीड बैंक। जब सीड बैंक में स्टोर करते हैं उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये सीड जो है रिकल्सिट्रेंट है या ऑर्थोडॉक्स है। ठीक है, फिर से एक बार बात कर लेते हैं, ऑर्थोडॉक्स आपको क्लियर तो हो ही गया है, इसे रिवाइज कर लेते हैं। सीड्स आर मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म इन विच वी कैन स्टोर देम एंड डिस्ट्रीब्यूट प्लांट जर्म प्लाज्म। होता नहीं, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ट्रांसफर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर हम किसी प्लांट को ले जा रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका, सबसे सुटेबल तरीका है कि हम उसके सीड की फॉर्म में उसे ट्रांसफर करें एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है, जीन बैंक, जिसके अंदर जीन सीड बैंक भी आएगा। ठीक है, इन विच ड्राइड सीड इज स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। देखिए, ड्राइड का मतलब क्या हुआ, उनका मॉइस्चर लेवल बहुत ही कम है। ठीक है, तो ड्राइड सीड्स स्टोर करें लो टेम्परेचर, वही वाला -20 से +4 तक। आर मोस्ट बायोडिस्प्लेट फॉर्म ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन। इस तरीके से अगर हम सीड को कंजर्व कर रहे हैं
ठीक है, तो ये एक्स सी टू कंजर्वेशन, एक्स सी टू समझ रहे हैं, ट्रांसफर दूसरी जगह पे, तो एक्स सी टू कंजर्वेशन की सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेथड है। सीड्स विच कैन बी स्टोर्ड इन दिस मैनर, अगर इस तरीके जो सीड स्टोर किए जा सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स। ठीक है, और ये सीड कहाँ मिलते हैं? देखिए मेजर फूड प्लांट्स, मेजर फूड प्लांट का मतलब हुआ कि इंडिया में 70% जो है वेजिटेरियंस हैं, और उस तरीके से जो मेनली जो हमारी फूड क्रॉप्स होती हैं वो ग्रेमनी जो फैमिली है, जैसे धान गेहूँ, ठीक है, जो बाजरा, ये सब इसमें आती हैं फूड क्रॉप्स में। और इनके साथ दूसरा फूड क्रॉप की अगर जनरल बात करें तो पल्स क्रॉप होती है। पल्स का मतलब लेग्यूमिनस प्लांट, जो दालें आती हैं, दाल और चावल आप समझते होंगे, तो दाल और रोटी सब इसी में आ गया फूड क्रॉप्स में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फैमिली क्रूसीफेरी, सॉरी फैमिली लेग्यूमिनेसी या फैमिली फेवेसी और फैमिली पोएसी या फैमिली ग्रेमनी के जो मेंबर्स होते हैं, सीरियल जिन्हें हम बोलते हैं, ये दो, इन दोनों के जो सीड्स होते हैं उन्हें हम ऑर्थोडॉक्स सीड कहेंगे। ठीक है, प्रोड्यूस दिस कैटेगरी ऑफ डेसिकेशन टॉलरेंट सीड। ठीक है, तो जो आपके लेग्यूम्स होते हैं और जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं मेनली, ये जो होती हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स होते हैं। ठीक है, अब ओवर द ईयर कह रहे हैं टेक्निक फॉर कंजर्विंग ऑर्थोडॉक्स सीड फॉर सेवरल टिकेट्स, मतलब कई दशकों तक इन्हें हम स्टोर कर सकते हैं, वो भी टेक्निक डेवलप हो गई, क्योंकि ये सीड सुटेबल होते हैं। तो सुटेबल का मतलब कि हम 5 साल के लिए सुटेबल कर लें, नहीं, आज हमारे पास इतनी टेक्निक है कि हमने कई दशकों तक, मतलब 100 ईयर्स तक हम सीड को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए, दीज इन्वॉल्व ड्राइंग द सीड्स टू लो मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, मतलब इनके अंदर का पानी सब हम बाहर निकाल लेते हैं, लो मॉइस्चर कंटेंट का मतलब ये हुआ, फिर स्टोर करें इन्हें थीमेटिकली सील्ड कंटेनर में, ठीक है, जिनका टेम्परेचर बहुत ही कम है, कितना, -18, वही मतलब -20 से +4 वाला प्रेफरेबली, एंड -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या फिर इससे भी ज़्यादा है लो, कूलर। ठीक है, तो दिस प्रोसीजर जो होता है वो वाइडली ऐसे अडॉप्टेड बाई सीड बैंक, सीड बैंक में इसी तरीके से सीड को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्लांट जर्म प्लाज्म इन लाइव स्टेट, प्लांट का जर्म प्लाज्म अगर जिंदा है, लाइव का मतलब वो प्लांट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है, तो वो क्या है, वायबल सीड्स है। सीड दो तरीके के होते हैं, हमें लगता है सीड जिंदा है, मगर सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो खत्म हो चुका होता है। जब हम सीड की टेस्टिंग करते हैं, जैसे बोलते हैं जर्मिनेशन टेस्ट, तो 10 सीड सपोज कर लेते हैं, हम लेते हैं तो पता चला उसमें 7 सीड्स ही प्लांट प्रोड्यूस कर पाते हैं, 3 सीड में जर्मिनेशन नहीं होता है। तो सीड का मतलब हुआ जिनके अंदर लिविंग एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। तो कह रहा है प्लांट जर्मप्लाज्म का मतलब है कि वो लाइव स्टेट में कहाँ है, वायबल सीड्स में, नॉन वायबल सीड में नहीं है, वो डेड हो चुका है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम, आपने देखा कि, तो आपने देख लिया होगा कि प्लांट जर्म प्लाज्म की बात जो कर रहे हैं, 21 बिहाफ पे कर रहे हैं कि प्लांट का जर्म प्लाज्म लिविंग स्टेट में केवल बाइबल सीड्स में होता है, नॉन बाइबल सीड में प्लांट का जो जर्म प्लाज्म होता है वो लाइव स्टेट में नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं इन ए सीड। ठीक है, इम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन डॉर्मेंट स्टेट, एक सीड में जो इम्ब्रियो होता है वो डॉर्मेंट स्टेट में प्रेजेंट होता है। डॉर्मेंट का मतलब नॉन लिविंग नहीं है, डॉर्मेंट का मतलब जैसे ही उसे मॉइस्चर मिलती है, जैसे ही हम उसे अपने फील्ड में डालते हैं और वो वाटर का कंटेंट फील्ड में होता है, जो मॉइस्चर होती है, ठीक है, नमी जिसे बोलते हैं, वो उसे एब्जॉर्ब करता है और उससे प्लांट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। अब जो नॉन बाइबल सीड्स होंगे उसके अंदर मॉइस्चर लेने के बाद भी प्लांट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब है प्लांट का जर्म प्लाज्म लाइव स्टेट में केवल बाइबल सीड्स में होगा, नॉन बाइबल सीड्स में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इन ए सीड एम्ब्रियो कैसी प्रेजेंट फॉर्म में होता है, डॉर्मेंट फॉर्म में होता है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सीड इज केप्ट, कितना रखा जाता है, 5 से 15%, एंड स्टोर्ड का टेम्परेचर क्या होता है, 10 से 20, ये वही टेम्परेचर है लॉर्ड फ्रेकिन, -18 कह लें, -20 से +4 कह लें। ठीक है, विथ सप्लाई ऑफ लिटिल ऑक्सीजन, ये कंडीशन बता रहा है सीड बैंक के अंदर जब हमने स्टोर करते हैं तो क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट 5 से 15%, टेम्परेचर -10 से -20, और ऑक्सीजन की बहुत ही कम सप्लाई, लिटिल सप्लाई। इस कंडीशन में क्या करते हैं सीड, उनके अंदर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती हैं। ठीक, और जो रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि वो लाइफ है उनके अंदर, तो रेस्पिरेशन होगा जाहिर सी बात है, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन, बहुत ही रिड्यूस टाइप का, मतलब हल्का सा रेस्पिरेशन होता है बस, जो कहते हैं ना सर्वाइवल, चीज कि जिंदा रहें बस, इस कंडीशन में हम उन्हें स्टोर करते हैं। इसके अलावा जो कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सीरियल्स, मेजर फूड क्रॉप्स आ गए और लेग्यूम्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ सिंगल एग्जाम्पल, जैसे अमरूद का जो सीड्स होता है वो भी आपका ऑर्थोडॉक्स में आएगा, बहुत लंबे टाइम तक हम इसे स्टोर कर सकते हैं। सपोर्टक प्लांट होता है, जैसे हमने देखा होगा नींबू की फैमिली का, ठीक है, बनाना, एप्पल एंड चेरी, इनके सीड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकते हैं। नेक्स्ट देखती है,
स्ट्रेटजीज एप्लीकेबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ ऑर्थोडॉक्स सीड्स, मतलब कौन सी स्ट्रेटजी होंगी, एक्सीटू हैं क्योंकि सीड जीन बैंक, सीड जीन बैंक ये सब कैसी हैं, एक्सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज हैं, तो इसे देख लेते हैं। द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट जर्मप्लाज्म इन सीड बैंक इज वन ऑफ द मोर यूजफुल टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन। एक्सीटू कंजर्वेशन का बहुत अच्छा जो जो इम्प्लीकेशन है, बहुत अच्छा इनका रोल है सीड को स्टोर करने का। वाइल्ड प्लांट स्पीसीज, वाइल्ड प्लांट स्पीसीज का मतलब होता है जैसे कि हम अपने जो वीट ग्रो करते हैं, गेहूं का प्लांट जो हमारा होता है ये होता है डोमेस्टिक, इसी के जो वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं मतलब इनका जिनसे ओरिजिन हुई है उन्हें हम अपनी सीड बैंक में मेंटेन करते हैं। अब क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि इन केस हमारे जो कंटिन्यूस जो डोमेस्टिक सीड होता है वीट, इसमें कभी कुछ ऐसी बीमारी लग जाती है कि जिसका इलाज नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इनके वाइल्ड रिलेटिव्स को स्टॉक रखते हैं कि उससे वहाँ से जीन ट्रांसफ़र करके इस प्लांट में इंसर्ट करते हैं और हम अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, या कोई ऐसा न्यूट्री कॉन्टेंट का एडिशन बढ़ाना हो या कम करना हो, ठीक है, या कुछ इसमें कंटिन्यूसली जो ग्रो करते हैं ना तो इनकी क्वालिटी बहुत डिक्रीज हो जाती है, तो इनके वाइल्ड रिलेटिव से जीन ट्रांसफ़र करके बाई एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हम अपने डोमेस्टिकेटेड क्रॉप में इंसर्ट कर देते हैं। और इस तरीके जो हम गेहूं जो वीट आज कल्टीवेट करते हैं जिसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक, जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का होता है, गुड क्वालिटी का होता है, ऑन पर्सपेक्टिव ऑफ न्यूट्रिएंट पूरी तरीके से इसमें होते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट होता है, वाटर की क्वांटिटी मतलब कितनी चाहिए कितनी नहीं है कि ऐसा नहीं बहुत कम वाटर अगर मिला तो डेथ हो जाए प्लांट की, ऐसा भी नहीं होता, मतलब ड्रॉट रेजिस्टेंट भी होता है। तो ये वाइल्ड रिलेटिव का मतलब हुआ है कि कंडीशनल हम इन्हें स्टोर करके रखते हैं, हर एक प्लांट का वाइल्ड रिलेटिव स्टोर करते हैं, कहाँ करते हैं, सीड बैंक में, ठीक है। तो एक्सीटू कंजर्वेशन की सबसे अच्छी जो एक एप्लीकेशन है सीड बैंक, जिसमें हम वाइल्ड रिलेटिव्स अपने डोमेस्टिकेटेड जो प्लांट होते हैं उनके जो वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं उन्हें स्टोर करते हैं, ठीक है। अदर मीन्स क्या है, जीन बैंक भी और सीड जीन बैंक, तीन एप्लीकेशन टोटल हो गए। देखिए एक्सीटू का सीड बैंक, जीन बैंक, सीड जीन बैंक, इनमें हम किन्हें स्टोर करते हैं, डोमेस्टिकेटेड जो हमारे क्रॉप्स हैं उनके वाइल्ड रिलेटिव्स को, कहने का मतलब है जिनसे इनकी इन पास्ट में ओरिजिन हुई है, जैसे आपकी वीट की ओरिजिन आपने देखा होगा तीन डिफरेंट टाइप की ग्रासेस से हुई है, तो वो ग्रासेस जो हैं वो हमारे डोमेस्टिकेटेड वीट के लिए वाइल्ड का काम करेंगी, ठीक है। तो अब इनका एप्लीकेशन सिंगली देख लेते हैं कि सीड जीन बैंक में क्या होता है। इन सीड जीन बैंक जर्म प्लाज्म इज स्टोर्ड एज सीड ऑफ वेरियस एसेंशियल सैंपल्स के फॉर्म में, अंडर सुटेबल कंडीशंस सीड ऑफ मेनी स्पीसीज कैन बी स्टोर्ड अप टू 50 से 100 ईयर्स तक। देखिए कितना लॉन्ग ड्यूरेशन तक, 50 से 100 ईयर्स तक स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, जीन बैंक का जब कॉन्सेप्ट आता है तो जीन बैंक में आपके आते हैं सीड बैंक, देखिए जीन बैंक के अंदर सीड बैंक भी आ गया और कॉर्ड भी इसी में आ गया, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल होते हैं उन्हें स्टोर करने के लिए टर्म है जीन बैंक। जीन बैंक क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं दैट मेंटेन स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब भी सैंपल उनके डिफरेंट वैराइटीज बाइबल सीड की, जैसे सीड को अगर हम कर रहे हैं तो जीन बैंक को क्या कहेंगे, सीड बैंक्स या सीड जीन बैंक। अगर हम प्लांट के किसी ग्रोइंग लाइफ पार्ट को स्टोर कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे ऑर्कॉड्स। इस तरीके से टिशू एंड फ्रोजन जर्म प्लाज्म को स्टोर कर रहे हैं इन विट्रो कंडीशन में तो हम उसे बोलेंगे प्लांट टिशू कल्चर लेबोरेटरी जो होती है उसमें, ठीक है। विद होल रेंज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, उनके अंदर जो भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी है उनमें कोई चेंजिंग नहीं आई, उनके साथ ही हम उन्हें इन जगहों पर स्टोर करके 50 से 100 साल तक रख सकते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट करेंगे, सीड जीन बैंक जो होते हैं वो सबसे ही ज़्यादा आसान तरीके हैं टू स्टोर जर्म प्लाज्म ऑफ वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड प्लांट्स एट लो टेम्परेचर इन कोल्ड रूम्स, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज़ को हमने थोड़ा सा सिंगल मतलब वहीं सेंटेंस उठा के यहाँ पे दिखाया है कि जो आपके ऑर्थोडॉक्स सीड्स हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है। देखिए ऑर्थोडॉक्स सीड में जो डॉर्मेंसी होती है वो जनरली पाई जाती है, ठीक है। मतलब डॉर्मेंसी का मतलब उनका एम्ब्रियो जो है लिविंग है बट वो डॉर्मेंट स्टेज में प्रेजेंट है। अच्छा, जो एकुमुलेशन ऑफ ड्राई वेट का जो उनका जो एकुमुलेशन होता है, जैसे ड्राई वेट जो होता है वो हल्के हल्के जैसे वो मैच्योर होंगे उनका ड्राई वेट डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो नॉर्मली स्मॉल एंड मीडियम साइज़ के होते हैं और उनका जो हार्ड जो कोट होता है जो कवरिंग होती है वो हार्ड होती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो पोटेंशियल जो पीरियड होता है वो कई मतलब दशकों तक इन्हें हम स्टोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर पोटेंशियल होता है स्टोर करने का। उसके बाद कहाँ पाए जाते हैं, एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज में जो प्लांट पाए जाते हैं उनके सीड मोस्टली ऑर्थोडॉक्स कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। कुछ हद तक जो टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल एंड हाई एल्टीट्यूड वाले में भी पाए जा सकते हैं। इसके बाद इनकी जो लाइफ होती है बहुत लंबी होती है, ठीक है, ऑफ इन लॉन्ग लिव्ड। उसके बाद जो इनकी जो लॉन्जिविटी जो लाइफ होती है, जैसे जितना टेम्परेचर हम कम रखेंगे उतना ही ज़्यादा लंबी लाइफ लीड कर सकते हैं। बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना है तो हमें उतना ही लो टेम्परेचर पर स्टोर करना होगा, इसका ये मतलब होता है सिंपल सा।
देखें, अब दूसरे तरीके की सीट देखें, हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि जो कंडीशन पे स्टोर हो जाते हैं वो ऑर्थोडॉक्स से, उनके अपोजिट जो सीट होंगे वो आपके रिकल्सिट्रेंट सीट्स होंगे। तो इन्हें फिर भी हम देख लेते हैं डेफिनेशन इनकी, कि मैनी स्पीसीज ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, देखिए जो गर्म प्लेसेस पे पाए जाने वाले सीट्स विच सेंसिटिव टू ड्राइंग, सेंसिटिव का मतलब हुआ कि अगर उन्हें थोड़ा सा भी हमने ड्राइंग और चिलिंग करी तो उनकी डेथ हो जाएगी, मतलब वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सीट्स मतलब है कि इन कंडीशन पे हम उन सीट को स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो वो सीट कौन से कहलाएंगे आपके, आपके रिकल्सिट्रेंट सीट्स। और ये मेथड जो है वो हमारी कॉन्वेंशनल मेथड है जो बहुत टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो सीट ऑफ दिस टाइप टर्म्ड एज रिकल्सिट्रेंट सीट्स, इवन वेन स्टोर्ड अंडर ऑप्टिमल कंडीशन देयर लाइफ स्पैन इज लिमिटेड टू ए फ्यू वीक्स आर ओकेजनली मंथ, मतलब अगर हम ऑप्टिमल कंडीशन में भी हम स्टोर कर रहे हैं तो हम इन्हें कुछ हफ्तों तक या फिर कुछ मंथ तक ही स्टोर कर सकते हैं उन कंडीशन पे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब उन कंडीशन में जब इन्हें स्टोर करेंगे तो क्या करते हैं, ये दीज आर दो सीट विच गेट किल्ड ऑन रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर, मतलब ड्राइंग जैसे मॉइस्चर निकालेंगे उनके अंदर से वो खत्म हो जाएंगे, और एक्सपोज करेंगे लो टेम्परेचर के लिए फ्रीजिंग की। वही बात दोबारा से घुमा के हम बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है, नथिंग, कि अगर हम लो मॉइस्चर कंटेंट पे और लो टेम्परेचर पे इन सीट को अगर स्टोर करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, किल्ड हो जाएंगे, ठीक है। सीट स्टोरेज बैंक रिक्वायर, और सीट स्टोरेज बैंक में इसी तरीके से हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं, देखिए सीट स्टोरेज बैंक रिक्वायर लो ह्यूमिडिटी लो टेम्परेचर कंडीशंस, तो जाहिर सी बात है कि हम इन्हें स्टोर नहीं कर सकते। दिस सीट कैन नॉट टॉलरेट एवर कंडीशन, दे कैन बी स्टोर्ड फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन आफ्टर ट्रीटमेंट विद फंजाई इन रूम हैविंग ह्यूमिड एयर एंड नॉर्मल कंडीशन। बस एक ही तरीका है जो इन्हें मंथ तक हम स्टोर कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, एक कोल्ड रूम में फंजाई के साथ। फंजाई आपको पता है ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना फूड मटेरियल नहीं बना पाते हैं, तो इन सीट के ऊपर फंजाई का नेटवर्क डाल देते हैं, और फंजाई जो होती है जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर होती है वो उसे टेकअप कर लेती है, और वो मॉइस्चर की वजह से ये कुछ मंथ तक केवल इनकी जो वायबिलिटी होती है वो बनी रह सकती है, अदरवाइज ये स्टोर नहीं किए जा सकते फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। प्लांट विद रिकल्सिट्रेंट सीट्स ग्रोन, अब इन्हें इनकी तरीका क्या है, कहाँ पर ग्रोन कर जाएंगे देखिए, और कॉट्स में हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स विद रिकल्सिट्रेंट सीट्स आर ग्रोन इन ऑर्गर वेयर ऑल पॉसिबल स्ट्रेंस, स्ट्रेंस का मतलब वैरायटी कल्टीवर्स, ठीक है, जहाँ पे मेंटेन रहती हैं। इनके लिए सीड जीन बैंक का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे ये स्टोर नहीं किए जा सकते। इन सच केसेस प्लांट्स आर केप्ट इन ऑर्कर्ड एंड मेंटेन थ्रू एक्सिटू ऑपरेशन, ठीक। अब इनके एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में इनके आएंगे सीड्स ऑफ ट्रीज एंड सरफ, जो ट्री और सरफ झाड़ के और जो प्लांट ट्री होते हैं, बड़े बड़े प्लांट जो होते हैं उनके सीड्स इस कैटेगरी में आते हैं। और हमने जो एग्जांपल आपको दिए हैं कि जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं या जो हमारे ग्रेमनी के प्लांट होते हैं, जो हमारे सीरियल्स फूड क्रॉप्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। धान का प्लांट, गेहूं का प्लांट, वीट का प्लांट, मक्का का प्लांट, ये सब क्या है, ये हर्ब्स हैं। इसका मतलब ट्री और श्रब्स के प्लांट जो होते हैं इस कैटेगरी में आते हैं, जिनके सीड्स रिकल्सिट्रेंट सीड्स होते हैं, जैसे कि टी। इनके अलावा कोका, जैक फ्रूट, कोकोनट, लीची, पाम ऑयल ट्री, रबर का प्लांट, जामुन, मैंगो, मैंगोस्टीन, डूरियन, एवोकाडो, सिट्रस एंड रामबुटन, इनके प्लांट के सीट कैसे होते हैं, रिकल्सिट्रेंट सीट्स होते हैं। अब इनके फीचर देख लेते हैं, वही फीचर जो ऊपर डिस्कस किए हैं वही फीचर्स होंगे, ठीक है। देखिए देयर लाइफ स्पैन कैसा होगा, कुछ हफ्तों का होगा, वो भी अगर बहुत चलेगा ओकेजनली मंथ का। सेंसिटिव टू ड्राइंग एंड चिलिंग, उसके लिए बहुत मतलब सेंसिटिव होते हैं इनकी, मतलब स्टोर नहीं किया जा सकते उस कंडीशन में, ठीक है। दे गेट किल्ड ऑन रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर, जैसे इनके हम मॉइस्चर निकालेंगे ये किल्ड हो जाएंगे, ठीक है। दे कैन बी स्टोर्ड फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन आफ्टर ट्रीटमेंट विद फंजाई, बस फंजाई के साथ इन्हें कोल्ड रूम में अगर हम कुछ टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। प्लांट विद रिकल्सिट्रेंट सीड्स ग्रोन इन ऑर्कर्ड, बस ऑर्कर्ड में इन्हें हम ग्रो कर सकते हैं वेयर ऑल पॉसिबल स्ट्रेंस एंड वैरायटीज आर मेंटेन्ड। अच्छा, अब स्टोर करते टाइम हम कौन कौन सी जो फैक्टर्स होते हैं वो, मतलब स्टोरेज कब तक हो सकता है, कितने टाइम तक स्टोर करते हैं, ये किस पर मेंटेन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, हमारी जो स्टोरेज पीरियड होता है, देखिए सीड मैच्योरिटी डिपेंड करती है, सीड डॉर्मेंसी इस पर अफेक्ट करती है, मॉइस्चर कंटेंट, मैकेनिकल डैमेज, जेनेटिक्स, पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब कि हमने सीड को किस तरीके से स्टोर किया है, प्लांट में जब वो तैयार हो गए थे तो हमने किस तरीके से कट करके हम उन्हें स्टोरेज रूम तक लाए हैं, ठीक है। बिगर का मतलब होता है उनकी जेनेटिक्स से, उनकी जो हाइब्रिड बिगर आपने सुना होगा, जो हेट्रोसिस एक टर्म होता है इसी चीज़ के लिए, ये जो सात फैक्टर हैं ये डिपेंड करते हैं कि किस प्लांट के सीड को किस टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ सीड स्टोरेज का क्या है, तो आपने देख लिया इस तरीके से, ठीक है। सेवन फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं कि किस लिमिट तक किस सीड को स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद सीड स्टोरेज के एडवांटेज क्या हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको पता ही होगा, जब हम स्टोर कर लेंगे तो हम बहुत इजीली हम इन्हें कैरी ओवर करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। इनके जर्म प्लाज्म को हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ले जा सकते हैं बहुत ही कम स्पेस में, और इससे ये भी हो सकता है कि हम रेगुलर सप्लाई कर सकें वेजिटेबल ग्रोअर्स को जो खेती करते हैं वेजिटेबल्स की, मतलब
ठीक है। और एक रेगुलर ट्रेड ऑफ वेजिटेबल एंड सप्लाई, इससे हमारी पूरे साल भर हम वेजिटेबल खा भी सकते हैं क्योंकि सीड की सप्लाई करेंगे तो रेगुलर ट्रेड ऑफ वेजिटेबल का होता रहेगा, उनकी सप्लाई होती रहेगी। दूसरी बात, सीड की जो बर्बादी है उससे बच सकते हैं। अच्छा, ज़रूरत क्या है सीड को स्टोर करने की? तो सीड को स्टोर करने की ज़रूरत यह है कि सप्लाई ऑफ फूड गुड क्वालिटी सीड मिले, ठीक है। जो फार्मर हमारे थे कन्वेंशनल, जो हमारे फार्मर्स हैं इंडिया में, वो इलिटरेट हैं और उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से सीड को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हर बार उनकी जो क्वालिटी है, जो उनकी जो पावर ऑफ वो है, वो डिक्रीज होती चली जाती है। इसलिए सीड को स्टोर करना ज़रूरी है। और एक फैक्ट है इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक फैमिली होती है जिसे बोलते हैं कन्वन बोलेसी है, ठीक है। इस फैमिली के बारे में एक आ जाता है, इसकी जो सीड्स होते हैं वो इन बर्थ, मतलब बनने से ही कैसे होते हैं, फिजिकली डॉर्मेंट सीड होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इस फैमिली के जो कन्वन बोलेसी फैमिली है, इसके जो सीड्स होते हैं वो फिजिकली डॉर्मेंट होते हैं, इसे ध्यान रखना है गाइस। तो इस तरीके से हमने रिकैल्सिट्रेंट सीड एंड ऑर्थोडॉक्स सीड का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। एक वेरी इंपॉर्टेंट, इनके एग्जाम्पल ध्यान रखें क्वेश्चन आने के लिए, क्योंकि एग्जाम्पल पूछा जाता है कि इन विच आर द फॉलोइंग, कौन सा सीड रिकैल्सिट्रेंट है, कौन सा नहीं है। और एक जनरलाइजेशन मैंने आपको बताया कि जो हमारे मेजर फूड क्रॉप्स हैं, जिसमें आपके ये मान के चलें कि जो हमारी दालें हैं और हमारे जो धान गेहूँ चावल वाली फैमिली होती है जिसमें बोलते हैं ग्रैमनी फैमिली, और लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो सीड्स होते हैं स्मॉल साइज़ के। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पर देखी है कि इन्होंने जो फैक्टर बताया है कि जो सीड छोटे साइज़ के होते हैं, ठीक है। ये जो फीचर्स आप देखिए इसके, हमने जो आपको बताया ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान रखें तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा कि जो ऑर्थोडॉक्स सीड्स हैं वो कैसे हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज़ के हैं, और इनका जो टेस्टा है, जो कवरिंग है, वो बहुत हार्ड होती है। तो छोटे वाले सीड जो है वो ऑर्थोडॉक्स हैं। आप समझ लीजिए किन किन क्रॉप में छोटे सीड होते हैं स्मॉल साइज़ के, और टेस्टा बहुत हार्ड होना चाहिए, जो उनके ऊपर कवरिंग है वो हार्ड होनी चाहिए, तो वो ऑर्थोडॉक्स हैं। ऑर्थोडॉक्स सिंपल, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि जो सीड जीन बैंक या सीड बैंक की जो कंडीशन होती है कि लो मॉइस्चर कॉन्टेंट एंड लो टेम्परेचर पर स्टोर हो जाए फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विद वायबिलिटी, अपनी उस बने रहें, सर्वाइव, जिंदा भी बने रहें, वो सीड ऑर्थोडॉक्स सीड कहलाते हैं। और जो इन कंडीशन पर स्टोर नहीं किए जा सकते, केवल उनकी वायबिलिटी 1 मंथ के लिए होती है या कुछ वीक के लिए होती है, और केवल वो फंजाई के साथ एक कोल्ड रूम में स्टोर किया जा सकते हैं, उन्हें हम रिकैल्सिट्रेंट सीड कहते हैं। और ये वाली कैटेगरी जो ट्री होते हैं, बड़े बड़े प्लांट, और जो श्रब्स होते हैं, झाड़ी वाले प्लांट, उन इस तरीके के प्लांट और झाड़ियों से जो सीड्स मिलते हैं वो आपके रिकैल्सिट्रेंट सीड्स होते हैं, जैसे हमने बताया चाय का प्लांट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज़।